हाई गाइज, हाउ आर यू ऑल टुडे? वेलकम यू ऑल टू माई चैनल. सो मैं हूँ प्रेरणा. सो गाइज, आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप 30s की एज में जो है अपनी स्किन का ख्याल किस तरीके से रखेंगे. यस फ्रेंड्स, जब आप 30s की एज में आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करने चाहिए अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए. बिकॉज क्या होता है, अगर आप अपनी स्किन का ख्याल अभी नहीं रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सैग हो जानी चालू हो जाएगी और फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी. सो इट्स बेटर कि आप जो है अपनी स्किन का अभी से ध्यान रखना स्टार्ट कर दो. तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ स्टेप्स जो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो. चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ में. लेकिन अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हिट लाइक जरूर करना इस वीडियो को. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं सारे स्टेप्स कौन से हैं. तो फर्स्ट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ कि गाइज, आपको जो है अपनी स्किन को वेल नरिश्ड, वेल मॉइस्चराइज्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप जो है अपनी स्किन को जितना ज्यादा फूड खिलाओगे ना, उतनी ज्यादा ये स्किन जो है आपकी चमकदार बनेगी. अब फूड हमारी स्किन के लिए क्या है? मॉइस्चराइजर. आपका जो भी कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर है, आप उसको जस्ट अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो. जेंटल क्वांटिटी में लेके अपनी स्किन पे अप्लाई करिए, भले ही वो दिन हो, रात हो. आप चाहो तो 3 times भी अप्लाई कर सकते हो. इन विंटर्स में जो है हमारी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो ही जाती है, तो आप 3 times भी उसको अप्लाई कर सकते हो. देन गाइस, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है. एक बहुत ही बढ़िया सा सीरम अपने फेस पे अप्लाई करना है. बिकॉज अब आप 30s की एज में आ गए हो, आपको सीरम अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि आपकी स्किन जो है बहुत ही अच्छे से बिहेव कर सके, आपके जो ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो सके, मिनिमाइज हो सके, आपकी स्किन में जो वो चमक है वो बरकरार रह सके. सो गाइज, हियर आई एम यूजिंग दिस सीरम. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मार्स बाय GHC. इट्स देयर ग्लो सीरम. सो इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफी ज्यादा पसंद है और आपको इस तरीके से जो है फेस पे अप्लाई करना है. गाइस, इसको जो है मैन, विमेन सभी लोग यूज कर सकते हैं और किसी भी स्किन टाइप के पीपल भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप ये इसका कार्डबोर्ड बॉक्स रीड कर सकते हो या फिर इसको भी रीड कर सकते हो. इसमें ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है. गाइस, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी, आपको चाहिए कुछ इस तरीके के जेड रोलर और गूशा. सो ये जो है जेड रोलर बोलते हैं इसको, ये इस तरीके के जेड स्टोन से बना होता है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जो कि आपकी फेशियल स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. इस जेड रोलर से आपको इस तरीके से कुछ मसाज करनी होती है अपनी स्किन पे. तो ये जो जेड रोलर है ये क्या करेगा कि आपका जो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करता है. एंड जो जेड रोलर है, इट विल इंक्रीज योर कोलाजन लेवल एंड ऑल्सो टाइटन योर स्किन टोन एंड ऑल्सो इट विल गिव बेटर अब्सॉर्प्शन ऑफ सीरम. आपने जो सीरम लगाया है ना, उसको ये एक बेटर अब्सॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी स्किन में पेनिट्रेट होती है सीरम. ऑल्सो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उनको भी रिड्यूस करता है. आप अपने अराउंड द आईज जो है इस छोटे पार्ट जो दिया गया है उससे रोल ऑन कर सकते हो. और अगर आपकी स्किन में कुछ भी रिंकल्स, फाइन लाइंस हो रही हैं, उसको भी रिड्यूस करेगा. ऑल्सो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी तो इम्प्रूव करता ही है. आप इससे अपनी जॉ लाइन भी चिजल्ड कर सकते हो. सो गाइस, जैसे कि आपने देखा इस जेड रोलर का यूज, अब हम देखते हैं इस गूशा का यूज क्या है. सो गाइस, ये जो गूशा है ना, ये आपकी जो चिजल्ड लाइक जो जॉ लाइन है उसको चिजल्ड करता है. इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से जब आप मसाज करोगे तो आपकी जो जॉ लाइन है वो चिजल्ड होती है. कभी कभी आपने देखा है ये डबल चिन आ जाती है, तो उसको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करना है. सो गाइज, हमें जो है कभी भी ये जेड रोलर और गूशा अपनी स्किन पर डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए. इससे पहले हमारी स्किन में एक ऐसा ऑयल या कोई सीरम होना चाहिए जिससे कि हमारा ये जेड रोलर जो है बहुत ही अच्छे से मूव कर सके और वो जो हमने सीरम या फिर ऑयल लगाया है वो अच्छे से हमारी स्किन में डीप पेनिट्रेट हो सके. और ये दोनों ही जो जेड रोलर है और गूशा है वो इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा. सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपना यूज करके और फिर इसी सेम पैकेजिंग में इसको कवर अप कर सकते हो. सो नाउ गाइज, लेट मी टेल यू अबाउट दिस सीरम. सो गाइज, ये जो सीरम है ये बहुत ही वंडरफुली वर्क करता है आपकी स्किन टोन के लिए. बिकॉज इसमें जो है वाइटामिन सी मिक्स किया गया है, नायासिनामाइड मिक्स किया गया है, इसी के साथ ही साथ इसमें जो है मुल्तानी मिट्टी भी मिक्स करी गई है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है इसमें, एंड कोकोआ बटर मिक्स किया गया है. तो ये सारी जो चीजें हैं ना गाइज, ये हमारी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं. एंड मैं बता दूं आपको कि जब आप 30s में आ जाते हो ना, आपकी स्किन को एक एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है. तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है आपकी स्किन के लिए.
सो फ्रेंड्स, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप देख सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है। ये देख लो आप, बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे वर्क करता है ये। और जब आप इसको लगाओगे तो आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग बनेगी। इसका नाम ही है ग्लो स्किन सीरम। सो इसीलिए ये आजकल मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सो गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इट लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने इससे रिलेटेड सारे ही लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, डू चेक इट आउट। सो यस, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय।